हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की इंग्लिश की वर्कशीट और ये वर्कशीट है क्लास 4 की। वर्कशीट नंबर है 111 और 18 तारीख की वर्कशीट। यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने अध्यापक व अध्यापिका का नाम। पहला, गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, डू यू लाइक टू स्पेंड टाइम विद योर ग्रैंड पेरेंट्स? List a few activities that you enjoy doing with them. Good morning, प्यारे बच्चों, क्या आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, दादा दादी, नाना नानी के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है? अगर हाँ, तो कुछ एक्टिविटीज लिखिए जो आप उनके साथ करने में आपको मजा आता है। सिर्फ एक्टिविटीज लिखनी है आपने, आपको डिस्क्राइब करने की उनको जरूरत नहीं है। चलिए लिखते हैं। तो बच्चों, जैसे मुझे अपने दादा दादी और नाना नानी के साथ बात करना बहुत पसंद है, तो चिट चैट करना या टॉकिंग, ठीक है, आई लव टॉकिंग विद देम, KING। तो मैंने लिखा टॉकिंग। उसके बाद मुझे अपने नाना नानी के साथ क्या करना पसंद है, खेलना भी पसंद है कभी कभी, प्लेइंग। फिर उनके साथ मुझे वॉक पे जाना भी पसंद है, वॉकिंग, WALKING, शाम को जब वॉक पे जाते हैं। और उनके साथ टीवी देखना भी पसंद है, कभी कभी हम साथ में बैठ के कोई मूवी देखते हैं, तो वॉचिंग टीवी। ये सारे मुझे एक्टिविटीज अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ करना पसंद है। अगला, Let's read aloud. जोर से पढ़ते हैं। नेहा's grandfather told her about his childhood days. नेहा के grandfather ने उसे बताया अपने childhood, बचपन के दिनों के बारे में। When he was young, he stayed in a small village situated in the hills of Uttaranchal. जब वो young थे, बहुत जवान, He stayed in a small village. वो एक छोटे गांव में रहे थे, जो कि कहाँ है? Hills of Uttaranchal, उत्तरांचल में। Once he had gone with his family to see the valley of flowers. एक बार वो गए थे अपने family members के साथ क्या देखने? Valley of flowers देखने। They were all very excited for this trip. वो सब बहुत excited थे, बहुत ही उत्सुक थे और उत्साहित थे इस ट्रिप के लिए। There were wide areas carpeted with the brightest yellow flowers. तो वहां पे बहुत चौड़ी चौड़ी एरियाज, जगह थी, जो कि कार्पेटेड मींस जैसे आप घर पे कारपेट बिछाते हैं, वहां पे कारपेट की तरह क्या बिछे हुए थे, पूरे लगे हुए थे फ्लावर्स, ब्राइट येलो, बहुत ब्राइट येलो फ्लावर्स लगे हुए थे। इसी तरीके से इट वॉज लाइक अ ड्रीम, वो एक सपने की तरह था, मतलब पूरा फ्लावर्स से भरा हुआ है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना देख रहे हूँ। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई, और सूरज क्या कर रहा था, बिल्कुल चमक रहा था, शाइन कर रहा था ब्राइटली इन द स्काई, आसमान में। द एयर वॉज फ्रेश एंड क्लीन, जो हवा थी वो फ्रेश थी, क्लीन थी। दे वर ऑल वेरी हैप्पी टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर इन दिस वैली ऑफ फ्लावर्स। दे वर ऑल वेरी हैप्पी, वो सब बहुत खुश थे ये ब्यूटी, ये खूबसूरती देख के नेचर की, इन द वैली ऑफ फ्लावर्स, उस वैली ऑफ फ्लावर्स में। डू यू नो दैट दीज फ्लावर्स ब्लूम ओनली फॉर अ फ्यू वीक्स इन अ ईयर? क्या आपको पता है ये जो फूल हैं, ये खिलते हैं फॉर फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के लिए, इन अ ईयर, एक साल में सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए वो खिलते हैं, पूरे साल भर नहीं खिले रहते, ठीक है। लेट अस कंप्लीट द सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज अबव बाय फिलिंग इन द मिसिंग वर्ड। तो हमें इस पैसेज को देखना है और जो ये मिसिंग वर्ड्स है इन्हें यहां से फिल करना है। When he young, तो देखो when he was young. He stayed in a small valley situated in the hills of Uttaranchal. They
Dash, all very excited for this trip. They were, okay? They were all very excited for this trip. It dashed like a dream. It was like a dream. The sun dashed shining brightly in the sky. The sun was. The air dashed fresh and clean. The air was. Did you notice the words that you have filled above? क्या आपने इन शब्दों को ध्यान से देखा? Let us tell you more about them. चलो आपको उनके बारे में और कुछ बताएं. Was, were are past tense form of the verb to be. तो जो ये was और verb were हैं, ये past form of verb है. हम इन्हें past tense में use करते हैं, जो चीज हो चुकी है, और in place of to be. ठीक है, जैसे अब आपको यहां बता रहे हैं कि was कहां यूज करते हैं और were कहां यूज करते हैं. तो was जो है सिंगुलर ऑब्जेक्ट, जब हम एक की बात कर रहे हो, एक चीज की, जैसे आई सिर्फ अपने लिए, एक इंसान के लिए, तो उसके साथ was. जैसे ही या शी किसी एक व्यक्ति के लिए, तो उसके साथ was. इट किसी एक वस्तु के लिए, एक चीज के लिए, इट, तो was. लेकिन were को यूज करते हैं प्लूरल ऑब्जेक्ट, मतलब एक से ज्यादा के लिए. जैसे वी में हम बहुत लोग आ जाते हैं, तो वी वर. दे बहुत सारे हो जाते हैं, दे वर. अब ऊपर देख लो, ही एक है, was. दे बहुत सारे हैं, वर. इट एक है, was. सन एक है, was. एयर एक है, was. ठीक है, सिंगुलर वन ऑब्जेक्ट पर्सन और प्लेस के लिए यूज करते हैं, प्लूरल मोर देन वन, एक से ज्यादा. रिमेंबर, यू इज नॉट अ प्लूरल बट वी स्टिल यूज वर विद यू. दिस इज एन एक्सेप्शन टू द अबव रूल. तो ये बहुत जरूरी है याद रखना, वाई ओ यू, जब मैं यू की बात कर रही हूं. ठीक है, यू मतलब मैं आपकी बात कर रही हूं, मैं एक व्यक्ति की बात कर रही हूं. जब मैं एक व्यक्ति की बात कर रही हूं, मुझे यू के साथ, एक व्यक्ति के साथ तो वॉज लगाना चाहिए, लेकिन मैं यू के साथ हम कभी वॉज नहीं लगाते हैं. ठीक है बच्चों, हम हमेशा बोलते हैं यू वर. यू वॉज गलत हो जाता है. तो ये इकलौता एक ऐसा है जिसमें हम ये रूल नहीं लगाते, इसमें ऑपोजिट लगता है, यू वर होता है हमेशा. ये एक्सेप्शनल केस है, इसे याद रखेंगे. ठीक है, यू वर इन स्कूल यस्टरडे, एग्जाम्पल भी दिया है. हम ये नहीं बोलते यू वॉज इन स्कूल यस्टरडे, हम बोलते हैं यू वर इन स्कूल यस्टरडे. अब अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को अपने दादा दादी नाना नानी के साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित कीजिए. और अगर बच्चों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, अगली वर्कशीट आपकी मिस नहीं होनी चाहिए. और कोविड से बचने के लिए 6 फीट की दूरी बनाकर रखें. मैं मिलती हूँ कल नई वर्कशीट के साथ. बाय बच्चों.